हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिशाज ब्लॉग मिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए। मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं कुछ खास नहीं करती हूँ तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा वीडियोस मैं कभी नहीं बना सकती। तो इसी वजह से मैंने कुछ खास किया भी नहीं था तो वीडियोस भी शूट नहीं की। लेकिन मेरा एक और बात मानना है कि अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँ, चाहे मैं देर करूँ, लेकिन जो भी अपलोड करूँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करूँ। तो इसी होप के साथ मैंने आज का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। और वीडियो के एंड में जो मैंने एक रेसिपी डाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है आप लोगों के लिए। होप यू गाइस विल लाइक द रेसिपी एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू लाइक इट। ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग पसंद करेंगे ये वीडियो। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। वैसे लेट मी टेल वन थिंग, वीडियो का जो इंट्रो है वो मैं वीडियो के एंड में शूट कर रही हूँ। तो चलो आप लोग देखिए मैंने क्या शेयर किया है आप लोगों के साथ। और वैसे मैं बता दूँ, ये वीडियो एक ही दिन का नहीं है, दो दिन का है। एक्चुअली दो दिन शूट करके मैंने इकट्ठा करके ये वीडियो डाला है। तो आई होप यू विल लाइक इट। तो गाइस चलो अब मैं वो काम करती हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस में करती हूँ। वैसे मेरा आवाज़ एकदम बैठा हुआ है, सर्दी खांसी एकदम बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रहा है। और आज का ऑर्डर है दो चॉकलेट केक, सिमिलर डिज़ाइन, मतलब ट्विंस के लिए है, दो ट्विंस उनके लिए दो हाफ़ के जी के सेम डिज़ाइन का चॉकलेट केक बनाना है। तो मैंने पहले क्रम कोट कर दिया है और क्रम कोट करने के बाद उसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। आप लोग देखते रहिए, ये एक का क्रम कोट कर लिया है और ये दूसरे का क्रम कोट करने वाली हूँ मैं। ये जो चॉकलेट केक है उसका जो क्रम कोट है वो मैं चॉकलेट क्रीम से करती हूँ और बाहर का डिज़ाइन अलग होता है। उसके बाद मैं तुरंत ही लंच प्रिपरेशन के लिए रेडी हो गई। देखते रहिए मैं क्या बनाती हूँ। आज माँ भी नहीं है घर में तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। वैसे आयता ने, मतलब नानी ने भी क्या है मुझे हेल्प। और ये मैंने चावल पकाने के लिए रख दिया है गैस में और साइड बाय साइड चिकन भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आज भी बटर चिकन बनाया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला था बटर चिकन का रेसिपी, वहाँ मैंने चिकन के मैरिनेशन के बारे में नहीं बताया था। तो मैं बता दूँ, मैरिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस दही और चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अराउंड 2 आवर्स अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैं बटर चिकन फटाफट बनाने वाली हूँ, देखते रहिए। जैसे ही मेरा लंच रेडी हो गया था मैंने लंच कर लिया और तुरंत ही मैं आ गई अब केक के फिनिशिंग करने। देखिए ये कैसे मैं अपना दो सिमिलर जो केक है, ट्विन केक आप कह सकते हैं, उसका डिज़ाइन क्या देती हूँ आप लोग ये देखते रहिए। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है एक्चुअली। ये मैंने साइड में थोड़ा सा रेड कलर दे के डिज़ाइन कर दिया है और ये चॉकलेट गनाश से ड्रिपिंग डिज़ाइन कर दिया है। और ये देखिए केक का फाइनल लुक। उसके बाद मैं कुछ और हाफ़ के जी इसके केक तैयार करने वाली हूँ, आप लोग भी देख लीजिए फटाफट से मैं कैसे एक साथ बहुत सारे केक्स रेडी करती हूँ। वैसे केक बनाना एक्चुअली प्रैक्टिस का काम होता है। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका हाथ भी उतना फास्ट होगा। और मुझे अब तो अराउंड 5 मिनट में मैं एक केक का आइसिंग कर सकती हूँ। और ये देखिए मैं जेल कार्विंग करने वाली हूँ।
जेल लगाने से आपका जो काउंटर केक होता है वो मतलब ख़राब भी नहीं होता अगर एक दिन रह भी जाए। वैसे ये तो मैं ऑर्डर्स के लिए ही बना रही हूँ, लेकिन जेल कार्विंग करो तो अच्छा दिखता है केक। बहुत ही सिंपल भी होता है लेकिन अच्छा भी दिखता है। और ये मैंने नीचे बीट्स डिज़ाइन के बाउंड्री कर दिए हैं और ये कुछ केक्स मैंने रेडी कर दिया है। ये देखिए, मैंने बताया था ना जो ट्विंस का केक है, ये उनको मतलब एकदम सेम डिज़ाइन चाहिए। और देखिए ये और एक हाफ केजी का केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड फटाफट से बना दिया मैंने। देखते रहिए आप लोग, ये सब ऑर्डर्स में जाने वाला है। हाफ केजी के केक के ऊपर बहुत कुछ नहीं करती मैं, वैसे एक फ्लावर्स लगा देती हूँ और लीव्स दे के फाइनल लुक आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो चलो, तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ये इतना सारा लहसुन अब हम छीलने लगे हैं। सर्दियों में तो आपको पता ही है अचार बनाने का मज़ा ही कुछ और है, और घर का अचार आप सब लोगों को शायद पसंद ही होगा। तो अब मैं बनाने वाली हूँ लहसुन का अचार। इस बार पहली बार मैं बनाने वाली हूँ, इससे नानी और मैं पहले ये सब एक अराउंड 1 kg लहसुन है इसे अब हम छील लेंगे, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कैसे मैं बनाती हूँ लहसुन का अचार, आप लोग भी देखते रहिए। और गाइस यहाँ मैं बता दूँ, लहसुन छीलना आसान काम नहीं है यार। मैंने भी बहुत DIY ऐसे मतलब ट्रिक्स देख लिए थे यूट्यूब में कि लहसुन आसान से कैसे निकाले, लेकिन कुछ काम नहीं किया। बाप रे, हाथ दुख गया एकदम। आप लोग बताइएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना हो तो आप लोग कैसे छीलते हैं, कुछ टिप्स हो सके तो दे दीजिएगा। तो हम लोगों ने मिल के सारा लहसुन छील लिया, 1 kg लहसुन, और माँ ने ये लहसुन अच्छी तरह से एकदम धुल दिया है। 2-3 times धुलाई करना पड़ता है। और ये देखिए एकदम खिला हुआ लहसुन, इसको मैं अब करने वाली हूँ थोड़ा सा ड्राई। इसके लिए मैंने छत पे इसे सुखाने के लिए रख दिया है। ज़्यादा नहीं सुखाना, बस उसमें जो पानी लगा है वो सूख जाए ताकि हमारा अचार भी ख़राब ना हो, क्योंकि ये मेरा इंस्टेंट पिकल नहीं बनने वाला है। ये मेरा टाइम टेकिंग वाला पिकल है जो कि अराउंड 15 to 20 डेज में बन जाएगा। ये देखिए मैंने एकदम बिछा दिया है लहसुन को, कितना प्यारा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स लहसुन सूखने के बाद आगे का जो अचार का रेसिपी है वो शेयर करूंगी, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद मैंने डिनर में खाया एक करी, ये है साग और ये है मिक्स वेज और बैंगन का भरता, इसके साथ मैंने डिनर कर लिया। और बाद में देखिए रेसिपी। तो गाइस डिनर करने के बाद मैंने रात को सोचा अचार का जो बाकी का स्टेप है वो भी कंप्लीट कर दूँ। ये देखिए मैंने इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छी तरह से सजा दिया है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है देखते रहिए आप लोग। चलो आप लोगों को भी बता दो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ अचार में। वैसे दिस इज़ माय एक्सपेरिमेंटल स्टेप, ओके। मैंने पहले कभी लहसुन का अचार नहीं बनाया है, और क्या क्या फ्लेवर्स कैसा होगा, आउटकम कैसा होगा ये मुझे एक्यूरेटली नहीं पता। तो इंग्रेडिएंट्स भी मैंने उसी हिसाब से लिया है कि ज़्यादा नहीं हो जाए, चाहे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक बार ज़्यादा हो गया तो उसे ठीक करना एकदम मुश्किल है। तो अगर मुझे थोड़ा सा कुछ कुछ फ्लेवर्स कम लगे तो मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी। और चलो मैं क्या क्या डालती हूँ आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरा 1 kg लहसुन, एकदम बढ़िया। और यहाँ देखिए मैंने खड़ा मसाला क्या क्या लिया है। मैंने लिया है थोड़ा सा अराउंड 1 kg लहसुन के लिए मैंने अराउंड 2 teaspoon ऑफ ज़ीरा लिया है, और अराउंड 2 teaspoon ऑफ अजवाइन लिया है। ये मैंने अराउंड 4 teaspoon ऑफ राई लिया है, और
ये है पाँच फोरन, यहाँ मतलब पाँच ऐसे क्या बोलते हैं मसाला मिक्स है, जैसे कि मेथी, सौंफ, कलौंजी, ये सब मिक्स है। और तीन चाय मैंने लिया है रेड चिली, और तेल मुझे एक्यूरेटली नहीं पता कितना लगेगा, अभी मैंने हाफ लीटर लिया है 1 kg लहसुन के लिए, शायद ये तेल कम पड़ जाए, कोई बात नहीं, बाद में मैं डाल सकती हूँ तेल, कोई बात नहीं। तो ये है हमारा अचार का इंग्रेडिएंट्स, चलो अब प्रिपरेशन करते हैं। और फ्रेंड्स लेट मी मेंशन वन थिंग, इस अचार में मतलब ज़्यादा मसाला वसाला ये सब अच्छा नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिसिनल भी मान सकते हैं आप, लहसुन का अचार थोड़ा सा मेडिसिनल भी होता है, तो इसमें ज़्यादा मसाला एकदम नहीं जाता। और मेनली इसमें जो मसाले में राई का फ्लेवर ही उभर के आता है, हाँ बस। तो एकदम सिंपल सा अचार होता है ये, आप लोग मत सोचिएगा कि बहुत कम मसाला डाला है या अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, मैं आउटकम आप लोगों को बताऊंगी जब। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये पाउडर्ड मिक्सचर में क्या क्या है मैं बताना भूल गई थी, यहाँ मैंने अराउंड 3 teaspoons ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, और साथ ही में 2 tablespoons ऑफ सॉल्ट लिया है, और 1 teaspoon ऑफ हल्दी लेके ये मिक्स कर दिया है, ये ज़रूरत होगा अचार में। अब एकदम पहले हमें करना क्या है, ये सारा जो हमारा खड़ा मसाला है इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम पाउडर कर लेंगे, सारा मसाला एकदम गर्म होने के बाद ये राई थोड़ा सा फूटेगा। चलो मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मसाला हमारा एकदम रोस्ट हो गया है, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मिक्सचर में ग्राइंड कर लूँगी फाइन पेस्ट। तो हमारा अचार का मसाला एकदम रेडी है, और इसके बाद हमें करना क्या है, जो मैंने तेल लिया था उसको एकदम धुएँदार गरम करना है, हाँ एकदम उसका कच्चापन चला जाए। तो बस उसके बाद आपको करना क्या है, गरम होने के बाद तेल को गैस के फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा होने देना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो मैंने मसाला पाउडर करके रखा था वो डाल देना है, और बस कुछ नहीं, उसके बाद जो पाउडर्ड मिक्सचर है मसाले का वो भी डाल दिया मैंने, और उसके बाद आपको लहसुन को डाल देना है। हाँ तो फिर बस ये सिंपल सा लहसुन का अचार हमारा रेडी है, लेकिन गाइस ये खाने के लिए अब रेडी नहीं है, इसको और कुछ टाइम लगेगा, देखते रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी माय अचार इज़ ऑलमोस्ट रेडी, पर इसे अब खाने के लिए ये एकदम रेडी नहीं है, इसे मैं अराउंड 15 to 20 days मैं इसे रोज़ धूप में देने वाली हूँ, उसके बाद जो हमारा लहसुन है वो थोड़ा सा गलने लगेगा, तब जाके ये अचार कैसा लगता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आगे का स्टेप भी मैं क्या करती हूँ, कैसे स्टोर करती हूँ, देखते रहिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, ये मेरा प्यारा सा और मेडिसिनल लहसुन का अचार बनके रेडी है, इसे अब 15 to 20 days धूप में देने वाली हूँ मैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो घर में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।